बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम ए मुना मुश्ताक, लेक्चरर इन गुजरांवाला कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। इन द प्रीवियस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इन टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 2 ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज एनाटॉमिकल डायरेक्शंस। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है एनाटॉमिकल डायरेक्शंस को, कि एनाटॉमिकल डायरेक्शन होती क्या हैं। एनाटॉमिकल डायरेक्शन अगर वर्ड पे फोकस करें, डायरेक्शंस का मतलब होता है कि लोकेशन, पोजीशन, मतलब सिमत, उसकी जगह, वो कहाँ चीज़ प्रेजेंट है। एनाटॉमिकल साथ इसके वर्ड अटैच है। अब किस चीज़ की हम लोग डायरेक्शन देख रहे हैं? एनाटॉमिकल मीन्स के जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनकी एनाटॉमी डिस्कस कर रहे हैं। अब उनकी पोजीशन भी तो एक्सप्लेन करनी है ना, कि उस पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए एनाटॉमिकल डायरेक्शंस हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ वेंट्रल, इसका दूसरा नाम है इंटीरियर। वेंट्रल और इंटीरियर को अगर आप सिंपली याद रखना चाहें, वेंट्रल और इंटीरियर ऐसे बॉडी पार्ट्स जो आपकी बॉडी के सामने वाले एरिया में प्रेजेंट हैं, जो फ्रंट साइड पे प्रेजेंट है, मींस के जो एब्डोमिनल रीजन है, जो आपका एब्डोमिन रीजन है, उस साइड पे जो बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट हैं, वो हैं वेंट्रल और इंटीरियर। और इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करें, जैसे आप देखें, जो आपके ये आपका एब्डोमिन रीजन है, ये एक पर्सन है, इसकी बॉडी का अगर ये फ्रंट एरिया है, ठीक, ये इसकी बैक साइड है। जो फ्रंट साइड पे बॉडी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, उनको उन्होंने कहा है ये इंटीरियर हैं या वेंट्रल हैं, ठीक हो गया। जो बैक साइड पे हैं, वो पोस्टीरियर या डॉर्सल हैं, ये नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक, द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज़ प्रेजेंट इन फ्रंट और नियर टू द एब्डोमिन। बॉडी के वो वाले हिस्से जो प्रेजेंट होते हैं फ्रंट वाली साइड पे या नियर टू द एब्डोमिन, जो आपका एब्डोमिनल रीजन है उसके नियर बाई प्रेजेंट होते हैं, इन्हें कहते हैं वेंट्रल या एंटीरियर। जैसे कोई पर्सन मिरर में खड़ा होता है, उसको मिरर में जो अपनी सामने वाली साइड नज़र आ रही होती है, वो सारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो हम कह देंगे वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट हैं। लाइक नोज़ इज़ प्रेजेंट टू विच साइड ऑफ द बॉडी, किस साइड पे नोज़ प्रेजेंट है? अगर देखा जाए वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है ना, आपको सामने नज़र आ रहा है ना। अगर चेस्ट की बात करें, ये भी सामने है, ठीक है। अगर हैंड्स की बात करें, हैंड्स की दो साइड हैं, एक पाम वाला एरिया है जो अपर साइड है। अगर पाम वाला एरिया आप इस पर्सन को चेक करें, इस हाथ, इसकी जो पाम वाला एरिया है, मीन्स के जो उसकी हथेली है, वो हम बोलेंगे ये वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, मीन्स के फ्रंट साइड पे। जो उसकी अपर साइड है हैंड की, वो बैक साइड पे प्रेजेंट है, ठीक। इस तरह यहाँ पे जो एग्जांपल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ऐड की है, द नी कैप इज़ लोकेटेड ऑन द इंटीरियर साइड ऑफ द लेग। जो आपकी लेग है, जो आपकी टांग है, इसको रेफरेंस कंसिडर करें, जो उसकी नी है, ठीक है, जो उसके ऊपर कैप है, जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, ठीक है, होता है ना, वो कह उसको नी कैप बोल रहे हैं। वो कहते हैं जो नी कैप है वो लेग के अपर वाले साइड पे प्रेजेंट है, सामने वाली साइड पे। नेक्स्ट आ जाता है डॉर्सल और पोस्टीरियर। डॉर्सल और पोस्टीरियर को आप इस तरह याद रखें कि बॉडी का पार्ट्स वो जो बैक साइड पे प्रेजेंट हैं, मतलब पिछला हिस्सा, डॉर्सल और पोस्टीरियर का मतलब है पीछे वाला हिस्सा। ऐसे बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स जो आपकी बैक साइड पे प्रेजेंट हैं, उन्हें कह देंगे डॉर्सल और पोस्टीरियर। द पार्ट ऑफ द बॉडी विच प्रेजेंट नियर टू द बैक साइड इज कॉल्ड डॉर्सल और पोस्टीरियर। फॉर एग्ज़ाम्पल, द शोल्डर ब्लेड्स आर लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द बॉडी। अब शोल्डर ब्लेड्स क्या हैं? शोल्डर का तो आपको पता है कंधे। अब जो ब्लेड्स क्या हैं, जो आपके जो शोल्डर हैं, उनका जो उभरा हुआ हिस्सा है, ये देखें, ये आपके शोल्डर हैं, इस पर्सन में देखें, ये जो इसका उभरा हुआ हिस्सा है, ये इसको आप कह देंगे शोल्डर ब्लेड्स। ओके, ये बैक साइड पे प्रेजेंट है ना। अब नेक्स्ट हमने जो टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है वो है अपर, सुपीरियर और इन्फीरियर, ठीक है। ये इन्होंने एरो से शो किया, ये ऊपर अपर पार्ट सुपीरियर है, लोअर पार्ट इन्फीरियर है। थर्ड भी आ जाता है सुपीरियर, इसका सेकंड नाम है सिफेलिक, ठीक। द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज़ प्रेजेंट टूवर्ड्स अपर साइड इज कॉल्ड सुपीरियर। बॉडी के वो वाले हिस्से या वो वाले ऑर्गन्स जो अपर साइड पे प्रेजेंट हैं, उनको हम कह देते हैं सुपीरियर या सिफेलिक।
स्पीडर का आपने मतलब उर्दू में देखा है, जो स्पीडर का मतलब होता है कि आला बदतर, ठीक है, जो अपर वाले एरियाज में प्रेजेंट है उनको कह देंगे स्पीडर। फॉर एग्जांपल, हार्ट इज़ सुपीरियर टू इंटेस्टाइन, जो आपका हार्ट है अगर आप लोकेशन चेस्ट कैविटी में देखें, हार्ट अपर साइड पर प्रेजेंट होता है और जो इंटेस्टाइन है लोअर अबडोमिनल रीजन में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो इंटेस्टाइन को अगर देखें, इंटेस्टाइन लोअर साइड पर प्रेजेंट है और हार्ट कहाँ पर है, सुपीरियर साइड पर। नेक्स्ट आ जाता है इन्फीरियर कॉडल। इन्फीरियर इसका दूसरा नेम है कॉडल। इन्फीरियर का मतलब होता है कि निचला हिस्सा। द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज़ प्रेजेंट टूवर्ड्स लोअर साइड इज कॉल्ड इन्फीरियर। बॉडी के वो वाले हिस्से जो लोअर साइड पे प्रेजेंट हैं इनको कह देते हैं इन्फीरियर और कॉडल। फॉर एग्जांपल, इंटेस्टाइन इज़ इन्फीरियर टू द हार्ट। उसी एग्जांपल को जो मैंने पहले कोट की है उसको अगर हम बोलें कि जो आपकी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन क्या होती है, ये जो आंत है एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट है ना लोअर साइड पे, वो इन्फीरियर है हार्ट से, ठीक। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आईज इज सुपीरियर टू द नोज एंड द नोज़ इज़ इन्फीरियर टू द आई। मीन्स के नोज़ अगर देखें ये सुपीरियर नहीं है बल्कि इससे सुपीरियर है आइज, और आइज से इन्फीरियर क्या चीज़ है, नोज़। आगे आ जाता है मीडियल लाइन। मीडियल वर्ड का मतलब होता है मिडल, सेंट्रल पार्ट। द लाइन विच डिवाइड्स अ बॉडी इंटू टू इक्वल राइट एंड द लेफ्ट पार्ट इज़ कॉल्ड मीडियल लाइन। वो कहते हैं कि ऐसी लाइन, इमेजिनरी लाइन, आप जो एनाटोमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग के लिए जब बॉडी पार्ट्स के डाइसेक्शन करते हैं तो उसको डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट एरियाज में, ठीक है, इमेजिनरी लाइन के थ्रू उसको डिवाइड कर देते हैं ताकि उन्हें अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है, स्टडी करने में चीज़ों को आसानी हो जाए। इसलिए वो कह रहे हैं कि द मीडियल लाइन, द लाइन विच डिवाइड्स द बॉडी इंटू टू इक्वल राइट्स एंड द लेफ्ट पार्ट इज़ कॉल्ड मीडियल लाइन। ऐसी लाइन जो आपकी बॉडी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, दायां और बायां, उसको कह देंगे मीडियल लाइन। जैसे आप ये डायग्राम देखें, ये बॉडी है, चेस्ट का एरिया पूरा, इसमें देखें जो ब्लू कलर की लाइन है, मीडियल, मिड लाइन ऑफ बॉडी, इसको बोल रहे हैं मीडियल लाइन ऑफ द बॉडी। मीडियल, अब मीडियल लाइन से दो आगे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं, मीडियल और लेटरल। मीडियल क्या है, द पार्ट्स ऑफ द बॉडी डेट आर प्रेजेंट नियर टू द मीडियल लाइन इज कॉल्ड मीडियल। मीन्स के ऐसे बॉडी पार्ट्स जो मीडियल लाइन के नियर बाय हैं, मीन्स के ऐसी लाइन जो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, उसके जो नियर बाय हैं, ये जो एरो इनवर्ट साइड पर शो कर रही है देखें, ठीक है, मीडियल मतलब मिड लाइन के नियर बाय हैं, इसके आसपास हैं, इनको कह देंगे कि ये मीडियल हैं। जो इसके अवे हैं, ये अवे वाला डायरेक्शन शो कर रहा है, इनको कह देंगे लेटरल, लेटरल भी बोलते हैं, अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन। फॉर एग्जांपल, द हार्ट इज़ लोकेटेड एट द मीडियल साइड ऑफ द चेस्ट। जो आपका हार्ट है, हार्ट लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है ना, यहाँ पे नियर इस साइड पे, इधर ये मीडियल लाइन के नियर बाय आ जाएगा। वो कहते हैं कि हार्ट है आपका, वो जो मीडियल लाइन है चेस्ट कैविटी की, उसके नियर बाय प्रेजेंट है। अब लेटरल क्या है, ऐसे पार्ट ऑफ बॉडी जो मीडियल लाइन से अवे है, मींस के थोड़े डिस्टेंस पे हैं। रिब्स इज लोकेटेड एट द लेटरल साइड ऑफ द लंग्स, ठीक। देखिए अब तो रिब्स तो आप ये देखें इस साइड पे है ना, रिब्स देखा जाए तो रिब्स की डायरेक्शन ये ऐसे इस साइड पे प्रेजेंट होती है ना रिब्स, ठीक है। वो कहते हैं जो आपकी रिब्स हैं ये लेटरल साइड ऑफ द मिड लाइन है, या आप लंग्स भी कह सकते हैं, लंग्स आपके यहाँ प्रेजेंट है, ये नियर बाई है इसके, ये लेकिन आउटसाइड पे हैं। नेक्स्ट आ जाती है डीप और सुपरफिशियल। डीप का मतलब होता है थोड़ा, डीप मीन्स के गहराव। एनी पार्ट विच इज़ प्रेजेंट फ्रॉम द सरफेस, अवे फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड डीप। कोई भी बॉडी ऑर्गन्स, कोई भी बॉडी पार्ट जो सरफेस से डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, उसको कह देंगे डीप। जैसे अगर आप अपने हाथ को ही देखें, जो आपको अपर वाला एरिया क्या नज़र आ रहा है, स्किन नज़र आ रही है ना, तो जो स्किन है ये डीप नहीं है। अब स्किन के अंदर आप देखें, आपको जो ब्लड वेसल्स हैं या जो आपको बोन्स हैं, ठीक है,
जो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं वो डीप वाले एरिया में प्रेजेंट है ना, तो आप प्रेफरेंस स्किन को रखेंगे। आप कहेंगे कि स्किन क्या है, सुपरफिशियल है, जो उसके अंदर वाली साइड पे बोन्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं वो डीप हैं। एग्जांपल भी ऐसी है, बोन्स आर डीप टू द स्किन। नेक्स्ट है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है सतही, ऊपर वाला। एनी पार्ट विच इज़ नियर फ्रॉम द सरफेस इज़ कॉल्ड सुपरफिशियल। कोई भी बॉडी पार्ट्स, कोई भी ऑर्गन जो सरफेस के नियर बाय होता है उसको कहते हैं सुपरफिशियल। फॉर एग्जांपल स्किन इज सुपरफिशियल टू द बोन्स, मींस के स्किन क्या है, अगर कंपेयर बोन्स को स्टैंडर्ड रखें तो बोन्स डीप वाली साइड पर प्रेजेंट हैं और जो स्किन है सुपरफिशियल साइड पर प्रेजेंट है। जैसे ये डायग्राम मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐड की है, ये देखें सुपरफिशियल, ये जो बाहर लाइन उन्होंने ड्रॉ कर दिखाई है ये, ठीक है, और डीप ये देखें अंदर वाली साइड एरिया उन्होंने शो किया, ये पोस्टीरियर साइड बताई हुई है, बैक साइड, ये इंटीरियर, ये सुपीरियर हेड वाला एरिया, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया जैसे बॉडी प्रेफरेंस रखें, ये इन्फीरियर है, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल का क्या मतलब होता है कि नियर टू द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि कोई भी चीज़ जिसको आप स्टैंडर्ड रख के उसके साथ दूसरी चीज़ को कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे क्लास में कोई दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट थोड़ा अच्छा पढ़ रहा है, थोड़ा दूसरा स्टूडेंट है वो अपना लेसन नहीं याद करके आ रहा, तो जो स्टूडेंट अच्छा पढ़ रहा है मैं उसको रेफरेंस रखूँगी और कंपेयर किसके साथ करूँगी, जो स्टूडेंट लेसन सुना ही नहीं रहा, ठीक है, उसको कंपेयर करके हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉक्सिमल पॉइंट क्या है और डिस्टल पॉइंट क्या है। इट इज़ द पार्ट विच इज़ प्रेजेंट नियर टू द रेफरेंस पॉइंट। वो कहते हैं कि ऐसे पार्ट जो रेफरेंस पॉइंट के नियर बाय प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या हम लोग डिस्कस करेंगे एनाटॉमी में, कि ऐसे ऑर्गन्स जो किसी चीज़ के साथ अटैच है, जॉइंट, जैसे शोल्डर इज़ प्रॉक्सिमल टू द डिस्टल। अब देखें शोल्डर उसने क्या किया है, शोल्डर ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक है, इज़ प्रॉक्सिमल टू द डिस्टल, ठीक है, मतलब ये अपर साइड पे प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट है इट इज़ द पार्ट विच इज़ प्रेजेंट अवे टू द रेफरेंस पॉइंट, जो आपके रेफरेंस पॉइंट से अवे होते हैं। जैसे एल्बो इज़ डिस्टल टू द शोल्डर। अब आप कोहनी को देखें तो शोल्डर से डिस्टेंस पे प्रेजेंट है ना, तो हम कह देंगे कि ये डिस्टल पॉइंट पे प्रेजेंट है। जैसे अगर फर्स्ट मैंने आपको नी कैप और लेग एग्जाम्पल कोट की थी, अगर आप नी कैप को रेफरेंस पॉइंट रखें और जो आपके फीट हैं, ठीक है, उसको आप कंसिडर करें, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो नी कैप है, ठीक है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, जो आपके फीट हैं वो नी कैप से क्या है, डिस्टल पोजीशन पे लोकेटेड है, ठीक है। और अगर आप नी कैप को आप डिस्टल करना चाह रहे हैं तो आप रेफरेंस पॉइंट किस चीज़ को रखेंगे, आपका प्रॉक्सिमल पॉइंट क्या चीज़ होगा, आप उसको प्रॉक्सिमल भी कह सकते हैं, आपकी हिप बोन, जो हिप बोन है इट इज़ प्रॉक्सिमल टू द नी कैप, ठीक है। जैसे यहाँ पर डायग्राम में भी शो किया है, ये आपकी हिप बोन प्रॉक्सिमल साइड पे है, ये आपकी नी कैप, लेकिन उन्होंने फीट के साथ रेफरेंस शो किया, मैंने आपको हिप का नी कैप के साथ बताया, फिर नी का मैंने आपको फीट के साथ बताया। इतना क्लियर है जितना हमने पढ़ा है? हमने टोटल पढ़ क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, हमने पढ़ा है डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड पढ़ी है। डॉर्सल क्या है, मीन्स के बैक साइड, वेंट्रल एंटीरियर साइड। फिर हमने पढ़ा है सुपीरियर क्या चीज़ है, जो अपर साइड पे प्रेजेंट है बॉडी ऑर्गन्स, इन्फीरियर जो लोअर साइड पे प्रेजेंट हैं। फिर हमने पढ़ा है कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल क्या चीज़ है। प्रॉक्सिमल क्या है कि जो रेफरेंस पॉइंट के नियर बाय चीज़ें हैं वो प्रॉक्सिमल हैं, जो उससे डिस्टेंस पे हैं वो हैं डिस्टल। डिस्टल डिस्टेंस, प्रॉक्सिमल मीन्स के नियर टू द रेफरेंस पॉइंट। अब नेक्स्ट आ जाता है कम्बाइंड टर्मिनोलॉजीज़। कम्बाइंड टर्मिनोलॉजीज़ में आप देखें, इसमें कम्बाइंड टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कि दो तीन टर्मिनोलॉजीज़ को आपने कम्बाइन करके एक चीज़ बना दी है, दो तीन चीज़ों को मिक्स करके। फर्स्ट वन है इन्फ्रो मीडियल। मीडियल तो आपने लास्ट पीछे भी पढ़ा है ना कि, अब इन्फ्रो क्या है, अब इन दोनों चीज़ों को कम्बाइन कर दिया। इट इज़ द पार्ट ऑफ द बॉडी डेट प्रेजेंट नियर टू द मिड लाइन एंड टूवर्ड्स द लोअर साइड। मीडियल तो ये था ना कि नियर बाय मिड लाइन था, अब इन्फ्रो का मतलब है कि टूवर्ड्स द लोअर साइड,
इन्फ्रो, इन्फ्रो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन्फ्रो मीन्स के इन्फीरियर से ये वर्ड निकला है। मीडियल मीन्स के ऐसे बॉडी पार्ट्स जो मिड लाइन के नियर बाय हैं वो इन्फ्रो मीडियल हैं, इन्फ्रो जो लोअर साइड पे होंगे। इप्सी लेटरल, अब लेटरल का तो वही है जो अवे फ्रॉम द मिड लाइन है। अब इप्सी देख लेते हैं, टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी डेट प्रेजेंट एट द सेम साइड ऑफ द बॉडी। इप्सी मतलब एक साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। वो कहते हैं कोई भी दो पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो एक ही साइड पे प्रेजेंट हो हम इन्हें कह देंगे ये इप्सी लेटरल है। फॉर एग्जांपल इट कुड बी सेड डैट द लेफ्ट आर्म एंड द लेफ्ट लेग आर इप्सी लेटरल टू वन अनदर। मतलब आपके जो लेफ्ट आर्म है और लेफ्ट लेग है वो मिड लाइन, जो आपकी मिड लाइन है उसके अवे साइड पे भी हैं और दोनों एक ही साइड पे प्रेजेंट हैं लेफ्ट साइड पे, तो आप इन्हें बोल देंगे ये इप्सी लेटरल है। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्ट्रा लेटरल, टू बॉडी ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट अपोजिट साइड टू ईच अदर इज कॉल्ड कॉन्ट्रा लेटरल। ठीक, कॉन्ट्रा का यही, कॉन्ट्रा का मतलब होता है कि अगेंस्ट, अपोजिट। लेटरल तो वो मीडियल और लेटरल आपने पढ़ा मिड लाइन से जो टर्मिनोलॉजीज निकली हैं। कोई भी बॉडी ऑर्गन्स जो एक दूसरे के अपोजिट साइड पर प्रेजेंट है, अगर एग्जांपल कोट करें कि लेफ़्ट आर्म और द लेफ़्ट लेग या लेफ़्ट आर्म और द राइट आर्म आर कॉन्ट्रा लेटरल टू वन अनदर। यहाँ पे भी यही एग्जांपल है, द लेफ्ट आर्म एंड द लेफ्ट लेग आर कॉन्ट्रा लेटरल टू वन अनदर विद रिस्पेक्ट टू द मिड सेजिटल प्लेन। ये जो डिफरेंट प्लेन हैं ये भी आपकी बॉडी को डिवाइड करती हैं, ये नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। आगे आ जाती हैं बोन्स की मूवमेंट के अकॉर्डिंगली क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, कौन कौन सी। ठीक है, फर्स्ट वन है फ्लेक्सन। फ्लेक्सन क्या होता है, फ्लेक्स, फ्लेक्स का मतलब होता है कि बेंड होना, किसी भी चीज़ का झुकाव। जब कोई भी चीज़ आप ऐसे याद रखें, फ्लेक्स का मतलब है कि फ्लेक्सेशन हो रही है, मीन्स के बेंडिंग हो रही है। जब कोई चीज़ बेंड होती है तो उसका एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता है। डेफिनेशन देख लेते हैं, बेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल बिटवीन द टू बोन्स डिक्रीजेस। एंगल क्या मतलब होता है कि जो दो चीज़ों के दरमियान जो एंगल बन रहा है, जाविया बन रहा है, वो भी चीज़ कम हो रही है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों जो चीज़ें हैं उनका आपस में डिस्टेंस कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल बेंडिंग द एल्बो और क्लेंचिंग अ हैंड इन टू अ फिस्ट। जैसे आपकी आर्म अब स्ट्रेट है, अगर आप अपर आर्म और लोअर आर्म का आपस में एंगल देखें तो बड़ा ज़्यादा बनेगा ना, 180 का बनेगा। स्ट्रेट आप आर्म चेक करें, जैसे ये देख लें, 180 का एंगल किस तरह होता है, ऐसे ही होता है ना, जैसे मैंने अभी इसको सर्कल को मूव किया। ठीक है, ये एंगल ज़्यादा है मीन्स के इनका डिस्टेंस ज़्यादा है। जब इसको आप बेंड करते हैं मीन्स के फ्लेक्स करते हैं, ये देखें एंगल क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। ये देखें आप 60 कर लें। और दूसरी एग्जांपल उन्होंने कोट किया, जो आप हैंड है, आपका हैंड अगर आपने ओपन किया, जब इसको आप फिस्ट मतलब उसकी मुट्ठी बंद बनाते हैं तो आपका एंगल क्या होता है, फिंगर्स का और पाम का रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सटेंशन, इसके ऑपोजिट है फ्लेक्सन के। एक्सटेंडिंग मूवमेंट इन विच द एंगल और द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोन्स इंक्रीजेज। जैसे आपने पहले आर्म को क्या किया था, स्ट्रेट आर्म है उसको आप कह देंगे एक्सटेंशन है। ठीक है, जैसे ये मैंने आपको पहले भी दिखाई है एक्सटेंशन, अगर उसको बेंड करेंगे ये फ्लेक्सन है। इसके यहाँ पे इन्होंने फीट की मूवमेंट की एग्जांपल दिखा दी है, मूविंग फीट बैकवर्ड। ये देखें ये पहले है एक्सटेंशन, मींस के एंगल क्या है, ज़्यादा है। जब उसको बैक साइड पे करेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, रिड्यूस। थर्ड पे आ जाता है अबडक्शन। अबडक्शन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन, कि जो आपकी लिम्ब है, ठीक है, उसकी जो मीडियल लाइन है उससे मूवमेंट परे है, उसको कह देंगे अबडक्शन। और अडक्शन क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ द लिम्ब टूवर्ड्स द मीडियल लाइन, के मीडियल लाइंस की तरफ होगी, उसको कह देंगे अडक्शन। ये देखें टर्मिनोलॉजी सेम है लेकिन डिफरेंस है बी और डी का। मीडियल लाइन के नियर बाय है तो बी एडिशन है, मीडियल लाइंस के टूवर्ड्स है तो ये है अडक्शन। ये जैसे यहाँ पे इन्होंने डायग्राम में भी दिखाया है, ये आपकी मीडियल लाइन सेंट्रल है तो ये आपकी देखें ये फीट स्टैंडर्ड है, ये नियर बाय मीडियल है, ये अभी इससे अवे जा रहे हैं। ठीक है, इसको कह देंगे अबडक्शन है। अभी इसकी मूवमेंट इन्होंने एरो से शो किया है कि इसको आप अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, ये देखें इनवर्ड है तो ये आ जाएगी अडक्शन।
नेक्स्ट आ जाता है प्रोनेशन एंड सुपीनेशन। प्रोनेशन क्या होता है, जो आपका फोर आर्म है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ द फोर आर्म इन विच पोजिशन डेट पाम फेसिंग फॉरवर्ड, ठीक है, मतलब जो आपकी पाम है, आप अपने फोर आर्म को ऐसे मूव कर रहे हो कि जो आपकी फार्म पाम है उसकी जो फेसिंग फॉरवर्ड है, ये देखें, ये प्रोनेशन है, ये अपर वाला एरिया वो दिखा रहे हैं। सुपिनेशन में क्या है कि फोर आर्म को आप इस तरह मूव कर रहे हैं कि जो उसकी आपकी पाम है वो अपवर्ड साइड पे है, मतलब ये आपकी हथेली ऊपर साइड पे है, तो सुपिनेशन है, आप उसको सीधा कर रहे हैं। अगर आप उसको ऐसे कर रहे हैं, प्रोनेशन है। नेक्स्ट आ जाता है इन्वेरियन। इन्वेरियन मूवमेंट ऑफ द सोल ऑफ फुट टूवर्ड्स द मीडियल लाइन, ये जो आपके फीट हैं उनकी जो मूवमेंट है मीडियल लाइन की तरफ है, उसको कह देंगे इन्वेरियन। ये देखें, इवेरियन क्या चीज़ है, मूवमेंट ऑफ द सोल ऑफ द फीट अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन। इवेरियन में देखें वो जो अवे साइड पे जा रहे हैं, ठीक है, मतलब जो आपके फीट हैं, जो उनका सोल है, जो लोअर साइड है, वो मीडियल लाइन की साइड पे होगी, टूवर्स होगी, तो हम कह देंगे इन्वेरियन है। अगर उसके अवे साइड पे होगी तो कह इसको बोलेंगे इवेरियन है। नेक्स्ट आ जाता है एलिवेशन और डिप्रेशन। एलिवेशन का मतलब होता है कि अपर साइड, और डिप्रेशन का मतलब है लोअर साइड। इसको देख लेते हैं, मूवमेंट ऑफ द बोन्स टूवर्ड्स द अपर साइड इज़ कॉल्ड एलिवेशन। जैसे ये देखें, उन्होंने दिखाया है कि अपर साइड पे मूवमेंट है, एलिवेशन ऑफ मैंडिबल। मैंडिबल ये लोअर साइड, आपकी जो चिन वाला एरिया है, ठीक, इसको आप बोलेंगे एलिवेशन। मूवमेंट ऑफ द बोन्स टूवर्ड्स द लोअर साइड इज़ कॉल्ड डिप्रेशन। ये देखें, आप उन्होंने जब ओपन किया है तो आपका जो मैंडिबल है डाउनवर्ड साइड पे मूव किया है, तो ये बोलेंगे डिप्रेशन है। प्लैंटर फ्लेक्शन है और डोर्सी फ्लेक्शन है। प्लैंटर फ्लेक्शन क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ द सोल ऑफ द फुट इन विच एंगल और द डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड द एंगल लेग इंक्रीजेज। फ्लेक्शन आपने पीछे भी पढ़ा है कि जिसमें आपका एंगल क्या होता है कि दो बोन्स के दरमियान क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, उसको फ्लेक्शन कहते हैं। अब प्लैंटर है, प्लैंटर ये टर्मिनोलॉजी निकली है फीट से, ठीक है। जो सोल ऑफ फीट, इसमें क्या होता है कि एंगल फुट के दरमियान और लेग के दरमियान हो, इंक्रीज़ हो, तो उसको बोलेंगे फ्लेक्शन है। जैसे ये देखें, मतलब उन्होंने पाँव ऐसे रखा है तो लेग और उसका एंगल क्या हो गया, इंक्रीज़। डॉर्सी फ्लेक्शन में क्या होता है कि एंगल इसके ऑपोजिट आ जाएगा, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द लेग एंड द फुट इज़ डिक्रीज इज़ कॉल्ड डॉर्सी फ्लेक्शन। कोई कन्फ्यूजन, इसको हम दोबारा देख लेते हैं ये टर्मिनोलॉजीज को बोन से रिलेटेड। फर्स्ट हमने पढ़ा है फ्लेक्शन, देन हम इसमें पढ़ा है फ्लेक्शन मीन्स कि आप स्ट्रेट कर रहे हो, एंगल डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। एक्सटेंशन में क्या हो रहा है कि एंगल इंक्रीज़ हो रहा है। अबडक्शन पढ़ी है हम लोगों ने, फिर अडक्शन पढ़ी है। अबडक्शन और अडक्शन आप मीडियल लाइन से निकली हैं कि अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन अबडक्शन, टूवर्ड्स मीडियल लाइन अडक्शन। प्रोनेशन और सुपिनेशन पढ़ी है, आप आर्म्स को स्ट्रेट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली, कि जो आपकी फोर आर्म है उसकी पोजीशन, अगर आपके पाम फॉरवर्ड होगी, अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, उससे रिलेटेड। फिर इन्वेरियन और इवेरियन पढ़ा है। इन्वेरियन का मतलब है कि जो आपके फीट हैं, ठीक है, उनका सोल है, अगर टूवर्ड्स द मिडिल लाइन है वो इन्वेरियन है, अगर ऑपोजिट है, ठीक है, अवे है, तो इवेरियन है। फिर एलिवेशन और डिप्रेशन बढ़ा है। एलिवेशन है मीन्स के अपवर्ड साइड पे मूवमेंट है, और डिप्रेशन है कि डाउनवर्ड साइड पे मूवमेंट है। प्लैंटर फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन बढ़ा है। प्लैंटर फ्लेक्शन का मतलब है कि एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। डॉर्सी फ्लेक्शन का मतलब है कि एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। अगर कोई क्वेश्चन होगा आप मेरे से पूछ लीजिएगा। थैंक यू।